सोलन के विधायक धनीराम चांडिल ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार और विधानसभा प्रणाली पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सोलन के कई विकासात्मक कार्य वर्षों से अटके पड़े हैं, जिनके लिए आवश्यक धन भी उपलब्ध है और सारी औपचारिकताएं भी पूरी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी कार्य ज्यादातर अधूरे हैं। उन्होंने विकासात्मक कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि जिला के प्रशासनिक अधिकारी न जाने क्यों और किन कारणों से इन कार्यों को कछुए की चाल से पूरा कर रहा है। उन्हें लगता है कि सोलन वासियों से हिमाचल सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। सोलन के विधायक धनीराम चांडिल ने विधानसभा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे कई बार शांति बाईपास और सोलन में पैदल फुटपाथ का मामला विधानसभा में उठा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जस के तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार भी वे सोलन के कई विकासात्मक कार्यों की चर्चा विधानसभा में करेंगे। अगर फिर भी उनकी बात पर कोई गौर नहीं किया गया तो वे महामहिम राज्यपाल की शरण लेंगे। उन्हें पूर्ण यकीन है कि वे इस पर सकारात्मक कार्रवाई अमल में लाएंगे। राज्यपाल के पास जाने की बात वो क्यों गई है? वो मैंने इसलिए कहा है कि ये जो भी हम विषय उठाते हैं उन पे सचमुच में पिछले कुछ एक विधानसभा सत्र में कुछ काम नहीं हुआ, तो यदि बार बार उठाने पर भी कोई काम ना हो तो हम मुख्यमंत्री के पास भी जा सकते हैं और राज्यपाल के पास जाते हैं ये बताने के लिए। जैसे मैं समझता हूँ शांति बाईपास का मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सोलन की अपनी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के साथ संबंध रखता है। ट्रांसपोर्ट कैसे मैनेज की जाए? ट्रांसपोर्ट तब मैनेज होगी जब छोटी गाड़ी तो यहाँ से आए परंतु बड़े बड़े ट्रक जो है ना आए, और उसी के लिए ये शांति बाईपास बेसिकली बनाया गया है कि जो सेब से लदे या सामान से लदी गाड़ियाँ उस तरफ से निकल जाया करेंगी और हमारा क्षेत्र एक लाइट रहेगा ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, और यहाँ पे जनजीवन की व्यवस्था ठीक होगी। और मुझे पूर्ण आशा है कि ऐसी बात नहीं कि वो हमारे तर्क को समझेंगे और लोगों के दुख दर्द को समझेंगे, और जो योजनाएं इतने दिनों से लचर तरीके से काम हो रहा है उसमें शीघ्र काम होने की अपेक्षा करते हैं हम सरकार से। कि अब न जाने कारण तो सरकार के पास ही होंगे, पर ऐसा लगता है मुझे कि सोलन क्षेत्र को जो जिस प्रकार की मैं समझता प्राथमिकता देनी चाहिए उस वो देने में सरकार असमर्थ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सामने नज़र आता है, क्योंकि मैं तो आपका दर्जनों वो कार्य गिना सकता हूँ जिनको थोड़ा थोड़ा काम करके शीघ्र पूर्ण किया जा सकता है। ऐसा आभास होता है जो आपने बात कही है कि हमें प्रयत्नशील होना पड़ेगा, स्वयं संघर्षरत होना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी जो ये इतने कार्य जो चलते हुए हैं वही नहीं पूरे हुए तो आगे आने की हम क्या संभावना देखें। जब पहले की काम अब शांति बाईपास है ये तो सिंपली PW ने करना है और उनके पास इसके लिए पर्याप्त धनराशि है, और न जाने किन कारणों से ये पूरा नहीं हो रहा। अब ये तो सरकार के जो विभाग है वही जिम्मेवार हैं इसके लिए, और मैं उन्हीं को ध्यान आकर्षण के लिए ये जो प्रश्न पूछ रहा हूँ सदन के सत्र में इसमें विधानसभा पूछना चाहूँगा कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की वो क्या रुख रखते हैं, किस प्रकार से इसको हम निराकरण करें आगे बढ़ें ताकि लोगों को ये कल्याणकारी योजनाएं दी जाएं। और